हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। देखो फ्रेंड, मैं जल्दी जल्दी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। मैं ना साथ के स्कूल जा रही हूँ। साथ के स्कूल में ना चिल्ड्रन डे की वजह से ना स्कूल में मेला लगा है। अब मेला कैसा लगा है, किस तरह का लगा मुझे नहीं पता। स्कूल चलती हूँ, साथ को भी नहीं पता कि मैं उसको स्कूल आ रही हूँ। तो चलो चलते हैं, उसको सरप्राइज़ देते हैं और थोड़ा सा बच्चों का मेला कैसे लगाया है स्कूल में वो इन्जॉय करते हैं। चलो यहाँ पर मैं स्कूल पहुंच गई थी, साथ से भी मिल ली थी मैं। और यहाँ पर ना सर और टीचर बैठे हुए थे। यहाँ पर ये लोग टोकन दे रहे थे फ्रेंड, तो हम लोगों ने टोकन लिया कि आपको खाने का लेना है। अंदर गेम्स थे तो हम लोगों ने 5 तो खाने के टोकन लिए, 5 हमने गेम के टोकन लिए। और ये देखो फ्रेंड, साथ का स्कूल आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ। ये ना ब्लैक पैंट में जो खड़े हैं ना, ये साथ के और ये स्कूल के प्रिंसिपल है। स्कूल में पहुंच गए थे और फ्रेंड खूब भीड़ भी थी और मैं ना शायद कुछ लेट पहुंची थी, तो काफी सारे लोग जा भी चुके थे। लेकिन फिर भी देखो सारे बच्चे और बच्चों से ज्यादा मैं कहूंगी ना पेरेंट्स लोग एंजॉय कर रहे थे फ्रेंड। इतना अच्छा लग रहा था, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मेला हो रहा है। मुझे लगा सर थोड़े बहुत ही बच्चे होंगे स्कूल के, लेकिन मुझे जब मैं गई ना तो मुझे अच्छा लगा। और साथ से मैं पूछती साथ पहले क्या खाएंगे, तो काफी स्टॉल ना खत्म हो चुके थे। तो मैं साथ को यही बोलती, साथ जो भी है ना तू खा ले, वरना अपने जो टोकन लिए ना वो टोकन अपने बेकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन में ज्यादा कुछ था नहीं, तो फ्रूट चाट ले ली थी। फ्रूट चाट में अमरूद था, केला था और सेब था, जो कि मुझे ना काफी उन्होंने मसाला डाल दिया था, बहुत तीखा लग रहा था। साथ पानी पीने चला गया था। उसके बाद गेम के भी थोड़े से ही ऑप्शन बचे थे, क्योंकि ज्यादातर जो गेम के स्टॉल थे ना वो भी खत्म हो चुके थे, मतलब उनके गेम जो ओवर हो चुके थे। तो मैं इस पे पहुंच गई फ्रेंड, और इन लोगों बच्चों लोगों ने इतनी चालाकी कर रखी थी स्टॉल वालों ने फ्रेंड, जिसपे जो मतलब घिर्रा घुमाना था और जहां पर रुकना था आपको ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, चाहे वो की चैन थी, स्केल था, बच्चों की चीजें थी। लेकिन एक चीज पे लिखा था बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो उन लोगों ने ज्यादातर सबके बच्चों के निशान ना उसी जगह रुक रहे थे। और जब मैंने वो घिर्रा हाथ से चेक किया ना, तो वो ना भारी था। तो मैं समझ गई थी, मैंने कि भाई तुमने इसमें झोलझाल किया है, इसीलिए ना एक ही जगह पे रुक रहा है। तो उसके बाद देखो ये साथ की टीचर है, संस्कृत की टीचर है, और साथ को उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से हैंडल किया है फ्रेंड, क्योंकि साथ के लिए संस्कृत पढ़ना बहुत अलग चीज थी, नई चीज थी। लेकिन टीचर ने बहुत अच्छे से सिखाया था। और यहाँ पे संस्कृत की टीचरों ने स्टॉल लगाया था डोनट का, मुझे लगा नमकीन होंगे, पर ये डोनट मीठे थे। थोड़ा सा आधा मैंने खाया, आधा साथ ने खाया, क्योंकि हमारे पास हमको तो बस अपने टोकन खत्म करने थे, फिर एंजॉय करने थे, कोई पेट तो भरना नहीं था। उसके बाद हम अगले स्टॉल पे गए, तो ये देखो बंदूक में ना कुछ निशाना लगाना था बलून पे, और बलून भी दीवार पे सिर्फ 2 थे। तो मैं बोली भाई बलून तो लगा दो, तुम निशाना लगाना है तो किस पे लगाएंगे, 1-2 थोड़ा होता है, भर के होता है बलून। लेकिन इनके पास बलून भी नहीं थे, बलून भी खत्म हो चुके थे, उसमें से एक बलून तो चिपक ही नहीं रहा था फ्रेंड। फिर मैंने बोला भाई इसको चिपका दो, हालांकि मुझे पता था निशाना तो लगेगा नहीं, लेकिन ऑप्शन नहीं थे ना, पूरा बलून भरा होता तो 1-2 जगह अपना निशाना लग भी जाता। कुल मिला के 3 पिचके हुए से हवा निकले हुए से बलून थे। और फ्रेंड यहाँ देखो मैं मुझे बंदूक पकड़ने का ज्यादा वो क्रेज हो रहा था, यार बंदूक पकड़ ली है मुझे, इतनी भारी थी और मेरे से नहीं हो रहा था। मैं बच्चों से बोल रही थी भाई पीछे हट जाओ, मेरे को मतलब कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे 100% यकीन था मेरा निशाना नहीं लगेगा। और वही हुआ लास्ट में, मेरा निशाना नहीं लगा क्योंकि बलून कम थे, 3 बलून थे। वो ना पता है गोली मेरे उछट के मेरे चेहरे पे आ गई, मैं यही बोल रही थी उछट के मेरे चेहरे पे आ गई, वही लग गई थी। और उसके बाद वो हम लोग अगले स्टॉल पे गए, तो वहां पे ये कुछ ना ऐसे निशाना लगाना था, उसमें भी साथ का नहीं लगा। साथ में थोड़ा सा नर्वस हो जाता है सबके सामने, पता नहीं क्यों, मैं इसको बोलती भी बेटा तो नर्वस क्यों होता है, कहता है पता नहीं क्यों मामा मैं भीड़ को देखता हूँ ना तो ये खुल नहीं पाता है। तो जितना मैं एंजॉय करती हूँ ना हर जगह को, चाहे वो भीड़ वाली जगह हो, मैं एंजॉय कर लेती हूँ, साथ ना थोड़ा सा घबरा जाता है। मैं इस चीज को लेकर साथ सोहेल भी हम थोड़ा सा इसको लेकर बात करते हैं, बेटा क्या हो जाता है तेरे भीड़ में, नर्वस रहता है, कहता है पता नहीं मम्मा जब मैं बहुत ज्यादा भीड़ को देखता हूँ ना तो मेरे को ना घबराहट सी होती है, मैं नर्वस हो जाता हूँ। खैर इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी हम लोग इसका ये प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये देखो चलते वक्त मैं आपको फिर से साथ का प्यारा सा स्कूल दिखा रही हूँ मैं। और ये साथ के बेस्ट फ्रेंड है, एक का नाम कृष्णा है और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हर्ष है कुछ ऐसे ही नाम है, मुझे पक्का याद नहीं है, सॉरी बेटा, लेकिन एक का कृष्णा है इतना मुझे पता है। मजे कर लिए, चिल्ड्रन डे बना लिया, और अब मैं ना मुझे लगा चलो जब घर से बाहर निकली हूँ तो कीमा ले आती हूँ साथ के लिए, मैं आज कीमा बना दूंगी साथ, मेरी तब से चिल्ड्रन डे पे तेरे कीमा पार्टी, तो बस मैं वही लेने जा रही हूँ। लग रहा है फ्रेंड कि आजकल शादी ना सिर्फ सोसा रह गई है, इसलिए शादियां मजबूत नहीं है। शादियों में दिखावा, लाखों रुपए जबरदस्ती का, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं फ्रेंड, जबरदस्ती का मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। इतनी ज्यादा सोशा का जमाना आ गया फ्रेंड, तभी तो लोग परेशान है, तभी तो, क्योंकि पहले ना लोग आगे बढ़ना देखो अच्छी बात होती है, जिंदगी में आगे बढ़ना, डेवलप होना अच्छी बात होती है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को जो जिसको नहीं छोड़ना चाहिए तो उसको क्यों छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। पुराने लोग पहले ज़माने में जब शादी हुआ करती थी फ्रेंड हमारे यहाँ बस्तियों में, तो ना कोई हॉल वॉल बुक नहीं होते थे,
जो भी बस्ती के आसपास जो मैदान खाली पड़ा होता था ना, उसको सजा दिया करते थे। और सामान आ रहा है, लाइटिंग आ रही है, ना बल्लियां आ रही हैं, डंडे लग रहे हैं, ना पूरा तंबू वंबू लगाया जाता था, और ये खाने पकने की खुशबू पूरी बस्ती में हुआ करती थी। पूरी बस्ती के लड़के छुट्टियां कर लिया करते थे कि आज भैया हमारी बहन की शादी है, या बारात आ रही है, या बारात जा रही है, तो भी और एकजुट होकर काम करते थे। किसी को दावत देने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही लोग ना शादी में शामिल हो जाया करते थे, क्योंकि अपनापन था। आजकल क्या हो गया ना फ्रेंड, एक कुछ घंटों के लिए, चंद घंटों के लिए लाखों रुपए का एक हॉल बुक किया जाता है। क्या करें, कुछ लोग तो फ्रेंड दिखावे में करते हैं, इतना ज्यादा पैसा होता है, किसी गरीब को देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिखावे में तो लाखों रुपए उड़ा देंगे। तो कुछ मजबूरी में करते हैं बेचारे, कि भाई लड़की की डिमांड होती है कि नहीं, हम तो बारात लाएंगे तो हॉल होना चाहिए, किसी बस्ती में नहीं करना। देखो कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जबरदस्ती की सोच है। तो पहले बारात आती थी बस्तियों की, औरतें छत पे खड़े होकर बारात देखती थी, और मतलब एक अलग पूरे दिन रौनक रहती थी। बच्चे भाग रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, बस्तियों में वो जो चमकनी वाली पिन्नी होती है वो लगाई जाती थी, लाइटिंग। तो मतलब ऐसा लगता था सिर्फ एक घर में शादी नहीं है, पूरी बस्ती में शादी है, पूरी बस्ती इनवाइटेड है, पूरी बस्ती एक परिवार है, क्योंकि वो रौनक हो जाया करती थी। सब लोग अपने अपने हिसाब से कपड़े बना रहे हैं, और मतलब अपने अपने घरों को सफाई कर रहे हैं। भाई बारात आ रही है बस्ती में, तो हर कोई इंसान दरवाजा सफा करता था, घर में पुताई करता करवाता था, क्योंकि ये नहीं सोचते थे कि एक घर की शादी है। आजकल क्या हो गया है मेरे फ्रेंड, कि दिखावे शोशा के चक्कर में बस्तियां सूनी हो गई हैं, मोहल्ले सूने हो गए, वो मैदानों में जा गए, घर से इतनी दूर वो मैदान बुक कर लेते हैं लोग लाखों रुपए का कुछ घंटों के लिए, और वहां पे बारात आ रही है, वहीं बलि मोहरा, तो बस्तियां सूनी है, वो शादी में पहली जैसी बात ही नहीं है, वो पहली जैसी रौनक ही नहीं है। बस सबको अब एक ही चीज़ लगती है, चाहे मैं भी हूँ, भाई जल्दी चलना है, खाना खुलेगा जल्दी से खाना खाएंगे, घर वापस आएंगे, फिर टेम्पू मिले कि नहीं मिले। अब हर कोई किसी के पास तो गाड़ी और बाइक नहीं होती है, हम जैसे लोग रिक्शे वाले लोग भाई तो रिक्शे का इंतजार करते हैं, तो जल्दी जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। बस्ती में शादी हो, कभी भी खाई जाओ, कभी भी घर पे आ जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं होती है। तो क्योंकि आजकल ना इसलिए इंसान परेशान है, अरे यार इतना आगे जाने, इतना आगे मत जाओ, कुछ वक्त पिछली वाली जिंदगी की तरह गुजारोगे, जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि आज हम लोग आगे आके भी पुरानी जिंदगी याद करते हैं, अरे यार पुराने लोग कितने अच्छे थे, पुराने जमाने में ये खाना था, पुराने जमाने की शादियां ऐसी थी, दोस्ती तो क्यों छोड़ी, छोड़ी तो आपने ना पुराने जमाने की। डेवलप होना अच्छी चीज है, पढ़ाई लिखाई करके आप आगे बढ़ लो, लेकिन पुरानी चीज को पकड़ के चलोगे ना, तो आपको कभी पुराना जमाना याद ही नहीं करना पड़ेगा। आज हम लोग पुराना जमाना इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा था और उसको छोड़ा हमने, हमने छोड़ा तो आज हम उसको याद कर रहे हैं। तो इसीलिए आप ना हर चीज को मत छोड़ो फ्रेंड, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, लेकिन पुरानी चीजों को पकड़ के अगर बेहतर बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आपको याद करना नहीं पड़ेगा, अरे यार मेरे वो दोस्त थे, हम किसी के घर में खाना खाई जाते थे, कभी किसी को पूछना नहीं पड़ता था, पड़ोसी भी अपना ही परिवार का हिस्सा हुआ करता था। आज तो पड़ोसी से बातचीत भी बंद हो जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इंसानों को, कि नहीं यार पहला इस्लाम, जबकि इंसान नमाज पढ़ता है बोलता है यार पहला धर्म और पहला जो करीबी रिश्तेदार होता है वो पड़ोसी होता है, पड़ोसी नाराज रहेगा ना तो अल्लाह ताला उस घर में कभी भी, मतलब पड़ोस के घर में कभी आपके घर में खैर बरकत नहीं आएगी, क्योंकि पड़ोसी आपका नाराज है। तो ये चीज़ रहती है ना फ्रेंड, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। फिर आज हम जब इकट्ठे होते हैं, अरे यार पुराना सामान अच्छा था, उसके घर में हम खाना खाते थे, उसकी शादी में दावत आती थी। अब तो दावत भी लोग फ्रेंड पता है कैसे देते हैं, जो पैसे वाला होता है, जिसकी थोड़ी बहुत रिश्तेदारी है, दूर के रिश्तेदारों को कोई पूछता ही नहीं है, दावत भी देख के दी जाती है, शक्ल देख के जाती है, भाई किससे मेरी दुआ सलाम है, किससे मेरी दुआ सलाम नहीं है, उसको दावत दी जाती है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, पहले तो किसी की बेटी की शादी भी हो जाती थी तब भी उसको बुलाया जाता था, भाई उसकी बेटी बेटी की बेटी को भी बुलाना है, तभी तो रौनक हुआ करती थी शादी में, लोगों को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो लड़कियां बहन बेटी ना उस शादी में चार चांद लगा देती थी, तो लोग ना बस थोड़ी सी झालर टांग के भी ना बस शादी इंजॉय करते थे यार। आज तो भाई तुम LED लाइट या डिस्को लाइट भी लगा दोगे ना, सबको एक ही चीज़ रहती है, भाई घर जल्दी चल रहे हैं हॉल में, शादी में खाना खाएंगे घर वापस आ जाएंगे, चाहे तेरी लाइट कितनी भी महंगी हो, क्योंकि कोई रुकना पसंद नहीं करता भाई शादी से, कितना दूर हॉल होता है। तो बस मैं तो यही बोल रही हूँ, आगे बढ़ना है ठीक है, लेकिन जबरदस्ती का पैसा खर्च क्यों करना है, क्यों इतनी ज़्यादा शोशा करनी है। आप ऐसे घर के भाई हॉल वॉल अपने घर के पास है, मैदान होते हैं, बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर आप तंबू डेढ़ लगाओ, वहाँ पर आप कम पैसों में भी आपकी फुल चर्चा होगी, रौनक हो जाएगी। तो बस यही आजकल क्या करेगा फ्रेंड, एक बाप भी परेशान है क्योंकि आजकल लड़के वालों की डिमांड ना बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, पता नहीं क्या ही समझते हैं, थोड़ा से घर के अंदर टेल वेल लग जाते हैं तो वो तो भाई मुंह मांगी पैसे मांगते हैं, घर के ऊपर ही मांगते हैं, लड़का कुछ नहीं करता होगा लेकिन वो घर को इतना सुंदर बना देते हैं, भाई घर है लड़के का, ये कमरा है लड़के का, भाई वो कमरा तो है, कमरा बैठ के थोड़ा कर चाटेगी वो लड़का क्या करता है, मैंने नहीं पढ़, लेकिन एक गरीब घर का लड़का बहुत अच्छा, मतलब अच्छा है, दीनदार है, नमाजी परहेजगार है, अच्छा कमाता है, लेकिन उसका घर अच्छा नहीं होगा ना तो कोई उसको अपनी बेटी भी नहीं देगा, यार घर वर तो है नहीं है इसका,
ये चीज भाई सोचा चल रही है, मैं वही बोल रही हूँ, आप जिंदगी में पुराने दिन याद करते हो ना, इसलिए याद करते हो क्योंकि आपने खुद ने वो दिन छोड़े। आप आज भी अपने दोस्तों से मिलो, कौन रोकता है आपको अपने दोस्तों से मिलना, जरूर तो ना व्हाट्सएप पे आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज छोड़ दिया, बस हो गई दोस्त से, मतलब आपने अपना दोस्ती धर्म निभा दिया। अरे फोन करो, मिलो, बुलाओ उसको अपने, आप उसके घर पे जाओ, वो रखो आप रवैया, देखो पुराने दिन याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम बैठ के अपने पुराने दिन, अरे पुराने दिन ऐसे थे, हम ऐसे बातें करते थे करते थे, अरे भाई वो दिन तो आप फिर ला सकते हो, लेकिन रहो वैसे, शोर शाम में मत पड़ो ज्यादा, बस जबरदस्ती का पैसा आप जो कमा रहे हो वो इतना ज्यादा मत खर्च करो जो कि अननेसेसरी, मतलब दिखावा, दिखावे के लिए अगर खर्च करना पड़े फ्रेंड, मैं तो भाई मेरे को नहीं पसंद ऐसी चीजें दिखावा, मेरे को भाई लगता है काम हो जाना चाहिए बस, कि चलो, लेकिन जबरदस्ती का दिखावा ही क्यों करना फ्रेंड, बस सबकी अपनी सोच होती है फ्रेंड। मेरे दिल में आ जाती है तो मैं कर लेती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं दिल में कोई बात नहीं रख पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है चलो कुछ बात कर सकते हो, किसी को अच्छी लगे तो कर दो। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ शाम का खाना, कीमा बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अम्मी के घर चली जाती हूँ शाम में, थोड़ा आधा एक घंटा टाइम पास हो जाता है मेरा, तो खाना बना के जाती हूँ जिससे कि वहाँ से आओ तो टेंशन नहीं रहे। तो फिलहाल तो मैंने कीमा यहाँ पे देखो धो के रख दिया है छन्नी में, सारा पानी निकल जाएगा, और प्याज को इस तरह से काट लिया है लंबा लंबा, और साबुत, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, और देखो मेन चीज़ पता है क्या, ये है अदरक लहसुन और साबुत मिर्ची का पेस्ट, और दरदरा सा, ये देखो इस तरह से, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पिसी हुई मिर्चें मैं कम यूज़ करती हूँ, मतलब ना के बराबर ही करती हूँ, मैं ज़्यादातर साबुत मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ खाना पकाने में, उससे कि खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो बस मैं फटाफट से कीमा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बॉल और तेरे कपड़े मैच खा रहा है, गुड गुड। राइटिंग में मुझे नहीं लगे बॉल, चलो गुड। रात के वक्त ही फुटबॉल वगैरह खेल के अच्छा लग रहा था फ्रेंड। अगर आपको मेरा चैनल प्लीज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। सारी मेहनत बिगाड़ जाती है, साथ कर ही नहीं पाता है। साथ कसके और कसके कसके, अरे बाबा गर्ल्स पावर, साथ साथ साथ। इस वक्त बच्चों के साथ खेलो ना, पता चलता है कि हमारी बॉडी तो किसी काम की ही नहीं है, इतनी बेकार हो चुकी है, थोड़े से गेम खेल के ही हाँप जाते हैं। अरे बाबा।